عليهم آياتك وعلمهم الكتاب والحكمة इब्तदाई आखिरी नशरे लेकर अंबिया अलैहिस्सलाम का ये दस्तूर रहा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम एक तो खुद अपना रब से जो ताल्लुक होता है वो अपने साथ लेके आते हैं और अपने निज़ाम अमल को सोसाइटी के सामने पूरे तराजू पर तौल के देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि मेयार तब्लीग ये है कि अकीदे और अमल में खुद को मंशा इलाही में ढाल के कौम के सामने आना चाहिए। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का स्टैंडर्ड है और हम लोग जो अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, उनके नौकर और खादिम हैं, हमारी ड्यूटी यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ताबिकुन्नाल बिन्नाल यानी सही तौर पर हर लिहाज से उनकी पैरवी करें। तो हम उतने ही ज्यादा बेहतर आदमी होंगे जितना अंबिया अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। ये कुर्बानी के अय्याम हैं, हज के अय्याम हैं। हज तो कुर्बानी से बहुत पहले से चला आ रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्तों की मैयत में हज बैतुल्ला किया है। पहले मक्के शरीफ वाले काबे को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। सुभान। और तूफान नूही की दस्तबुर्द में ये खुर्द हो गया था, इसका वीडियो ऊपर से उखड़ गया था लेकिन उसकी बुनियादी दस्तूर बाकी थी। चूँकि अंबिया अलैहिस्सलाम ने जिस जगह को मुकद्दस करार दिया है वो मुकद्दस होती है। उसके बाद अल्लाह के प्यारों ने जिस जिस जगह ढेरे लगाए हैं उनका भी तकद्दस बन जाता है। आप ये समझना आपके लिए इंतहाई आसान होगा कि काबे शरीफ के पास जाकर के दुआएं क्यों मांगी हैं। जिसको खुद बनाया था तो खुद भी कोई जगह अगर बनाओ तो मुकद्दस हो जाती है, कबूल दुआ का जरिया होती है। इस जगह हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे शरीफ की तामीर के बाद जो पहली दुआ मांगी थी उनमें से एक दुआ का एक हिस्सा ये था, रब्बना अरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला करीम हज के तरीका हाय कार तू हमें सिखा और हम पर मेहरबानी फरमा। अल्लामा सावी यमनी मालकी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सावी अलल जलालैन में लिखते हैं कि जिन्होंने सारे काम अल्लाह की रजा के लिए कहे हैं वो कहते हैं अल्लाह करीम हम पर हमारी तौबा मंजूर फरमा। ये क्यों का बंदगाने खास का तरीका ये होता है कि गुनाह कभी न करे मगर तौबा फिर भी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने आप को बुजुर्ग और नेक न समझे, कितनी भी नेकी करें फिर भी खुदा की बारगाह में झुकना और एतराफ करना कि मौला करीम हम कसूरवार हैं, हम उस मियार में पूरे नहीं उतर सके जो तू ने हमें दिया है। और इबादत का तरीका है ये उन्होंने बताया तो हज इस तरीके से पहले से ही चला आ रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने किया, बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम करते रहे लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तियाज ये है कि यरफ़ा इब्राहिम अल-क़वाइद मिन अल-बैत व इस्माइल। वो वक्त यादगारी वक्त है, अल्लाह करीम उन वक्तों को किस इज्जत के साथ जिक्र करता है जिस वक्त में बंदगान खुदा ने कोई जगह बनाई है अल्लाह अल्लाह के लिए। आप लीजिए दारुलूम बना रहे हैं उसके गिरदा गिर्द कितनी और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जब जिक्र चलेगा तो आपके दारुलूम का चलेगा, परंतु उससे बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ बनाई हुई मौजूद हैं। तो ये किसी पैगंबर ने तो नहीं बनाया, ये मेरे जैसे और आप जैसे उन्होंने गार दोस्तों ने बनाया है तो फिर भी उसको मुकद्दस जगह समझते भी नहीं समझते। ये सुन्नत है अंबिया अलैहिस्सलाम की कि जिस जगह बैठ के रब को याद किया
उस जगह को मुकद्दस समझा जाए। कोई ये कहने वाला कह सकता कि ये एक फर्जी बात है? नहीं, फर्जी बात नहीं। जिस जगह जनाबे सैयदा मरियम ने बैठ के अल्लाह अल्लाह की थी, उस जगह को मुकाम मुकद्दस समझ के, वसीला दुआ समझ के, कबूल दुआ का जरिया समझ के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था। وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر جہاں مریم بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ بیت المقدس شریف کا اندرونی حصہ تھا، بیت المقدس کے اندرونی حصے میں کسی جگہ بھی دعا کی جائے تو وہ مقام مقدس ہی ہے، لیکن کہا تقدیس مقام کا بھی فرق ہوتا ہے۔ جیسا مکہ شریف تمام مقام مقدس ہے، مسجد جگہ سرکار کا ڈیرا ہے، آپ کہتا ہے یہ زیادہ مقدس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیت المقدس شریف کا ہر انچ برکت والا ہے، مگر جس جگہ جناب مریم نے بیٹھ کے عبادت کی ہے، اب مریم ہے ولیہ، زکریا علیہ السلام ہے نبی، تو نبی بڑی شان والا ہے، ولیہ چھوٹی شان والی ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے بتلایا کہ ممکن ہے بعد میں ایسے منکرین پیدا ہوں جو اللہ کے ولیوں کی جگہوں کو حقیر سمجھیں، میں اللہ کا نبی ہو کے اس وسیلے کو استعمال کرتا ہوں، یہ سارا بیت المقدس برکت والا ہے۔ تو میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں سارے بیت المقدس کے مقامات کے مقابلے میں وہ جگہ زیادہ برکت والی ہے جس جگہ ایک ولیہ بیٹھی ہے، کا نظام ہے۔ محبت جو ہے وہ ترازو پہ منڈی کے اندر تولی نہیں جاتی، اس کی دنیا ہی الگ ہے۔ پیغمبر ہے، اس نے سینکڑوں مرتبہ دعا کی ہے، لیکن آج جب قرآن مجید کہتا ہے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر عربی قواعد کے اعتبار سے امفیٹک سینٹینس بنانے کا طریقہ ہے، جو آرڈر آف سینٹینس میں پیچھے آنے والا ورڈ ہے اس کو پہلے لے جائیں تو امفیٹک بن جاتا ہے۔ ہنالکہ کا درجہ کلام میں، ترتیب کلام میں بعد میں آتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مفعول فی، یعنی یہ پلیس نون ہے، پلیس نون عربی زبان میں مفعول فی ہوتا ہے، یعنی جس جگہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کا درجہ پیچھے آتا ہے، اس کو پہلے لانے کا کیا مطلب؟ نہ ادھر دعا کی نہ ادھر دعا کی، اور کسی جگہ بھی نہیں کی، صرف اس جگہ کی جس جگہ مریم بیٹھی۔ نبی نے اس مقام کی تخصیص کر کے سوسائٹی کو بتا دیا کہ مقامات مقدسہ ہے، وہ چھوٹے درجے والی ہے، میں بڑے درجے والا ہوں، پہلے دعائیں مانگی ہیں نہیں قبول ہوئی، آج پروردگار عالم کہتے ہیں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى۔ آج جس جگہ کھڑے ہو کر تم نے دعا مانگی ہے، یہ ورڈ آف ویلیوز ہے، یہ ورڈ آف میٹیریل نہیں ہے کہ اس کو گزوں کے ساتھ فٹوں کے ساتھ ماپیں، اس کے پیمانے ہی الگ ہیں۔ تو بڑی شان والا ہے، وہ چھوٹی شان والی ہے، وہ اس لیے برکت والی ہے کہ تیری پرورش میں رہی ہے، اس وجہ سے برکت والی ہے کہ اس نے ایک نبی کو جنم دینا ہے، لیکن اے ولیہ تیری تربیت میں رہی ہے یا نبی کی ماں بننے والی ہے، سب صورتوں میں اس کا درجہ ولی کا درجہ ہے۔ تو اس جگہ کھڑے ہو کر بیٹے کی دعا مانگنا، یہ اس اعتراض کا جواب ہے۔ جو لوگ ولیوں کی قبروں پر جاتے تھے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتے، بیٹے مانگتے ہیں، رب نے کہا میں نبی ہو کے ولی کے لیے سے بھی بیٹا ہوں۔ شیخ خداوندی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، نواسہ رسول حضور مفکر اسلام، امام اہل سنت زندہ آباد۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنا رشتے حق پرست سے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ ان کے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا، تو اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کو مقدس سمجھنا یہ سنت انبیاء ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے پیچھے؟ رب کو یاد کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گریہ افزاری کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ ایک تنہائی کا محل بنایا ہے کہ ہے رسم عاشقی میں
अलग साधु से बैठना। सुभान अल्लाह। दोस्ती का भी एक दस्तूर है, यार यारा वाले जाने कल्ले मोरा भूल न कर। सुभान अल्लाह। यारी और यगानकत का भी एक दस्तूर है, तन्हाई उसमें चाहिए होती है। मियां सवार पे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत का नब्बास कहता है, तोड़े संग सहली होवे वाकिफ सारी गलती, और दिल पर कोल गए हो ना पावे समझो रमज़ असल। सरदार मेराज को गए, लोग कहते जिब्रील क्यों नहीं गए, अगर जिब्रील जाना भी चाहते ले जाता कौन। तोड़े संग सहली होवे वाकिफ सारी गलती, पर दिल पर कोल गयो ना पावे समझो रमज़ असल दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी घर को दोबारा तामीर किया, लेकिन अपने बेटे को साथ लगाया। ये एक तरीके का तरीका है, इम्कान पर कोशिश करो, तो कदर तो अपने अपने हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसे खड़े होकर पत्थर मारे, तो ये उसके मुकद्दर की बात है। नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी तरबियत को गलती दिखाई। इस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा बेटा है, अल्लाह ने मुद्दतों के बाद दिया है, इस आलम पीरी की लठिया है, इसको मिला है मौला, मैं अपने साथ रखता। सुभान अल्लाह। बाप पत्थर लगाता जाता है, बेटा पत्थर देता जाता है। सुभान अल्लाह। बाप काम करता है, बेटा मदद करता है, और दोनों मिलकर काम करते हैं। यरफा इब्राहिम القواعد من البيت واسماعيل। वो वक्त भी याद करो, कितनी खूबसूरत कंपनी है, कितनी खूबसूरत संगत है, कैसा खूबसूरत मुअस्सिसा है, कि दोनों मिलकर काम करते हैं। बाप काम में कयादत करता है, बेटा पैरवी करता है। आज तैयार हो चुका कलर करीब ले वापस कर गए, तो जो पहली दुआ मांगी वो क्या मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। सुभान अल्लाह। आले बैत में से इसके जलाल सीयूती सैयद इमाम मोहम्मद सावी मालकी यमनी रहमतुल्लाह अलैह आले बैत से इस्तेमाल करते हैं, इनमें से रसूल भेज, क्यों, ये नबी की आले बैत है। रसूल भेज जो इन आले बैत में से ही हो। गुमराह लाखों हुए, लेकिन जिस शोबे से अल्लाह ने इस रसूल को पैदा करना था, आले बैत के वो तबके कभी गुमराह नहीं हुए। सुभान अल्लाह। उससे पाक रहम पा। वाह महान। सुभान अल्लाह। ये तज़हीर का सिस्टम पीछे से चला आ रहा है, पाक करने का सिस्टम पीछे से चला रहा है, और दुआ मांगने वालों ने सरकार का नाम भी आले बैत के जोरे में लिया। रसूल भेजो उन्हीं में से हो, जो उन पर पड़े आयत का, तेरी आयत होगा जब रसूल, या उन्होंने बता दिया कि नहीं रसूल होगा, पर साहिब किताब होगा, रसूल होगा साहिब।